बैंकिंग की बात बोल रहे थे ना, एक्चुअली मैं भी बार बार बैंक के देख रहा हूँ, और उसमें ये कोशिश है कि कुछ ऐसे बैंक भी ढूंढे जाए जो छोटे मझोले हैं। एक बार बंधन और आरबीएल बैंक एक बार चेक करेंगे आप अजीत? बंधन बैंक की भी आज ओपनिंग ठीक हुई है। देखिए रिम्पी, यहाँ पे एक स्ट्रगल चल रहा है बेसिकली, एक रिवर्सल का। बंधन बैंक में नो वीकली चार्ट्स पे एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ था, जहां पे उसका ब्रेकआउट आना था करीब 350 के ऊपर, अगर सस्टेन करता तो, बट वो हो नहीं पा रहा है। बट एक चीज जो सिल्वर लाइनिंग ये है कि 300-305 का जोन है, वहां काफी ज्यादा ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इस पूरे जोन को ये काफी स्ट्रॉन्गली होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 305 के ऊपर है, तब तक तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है कि ये रिबाउंड दोबारा अटेम्प्ट करे। बट आरबीएल देखिए नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से कुछ खास उम्मीद करना पॉजिटिव साइड के लिए थोड़ा सा ज्यादा होगा। अभी भी ये अपने 20 डेज एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो इनफैक्ट यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर थोड़ा भी बैंकिंग में बायस नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको आरबीएल को देनी चाहिए टू गो शॉर्ट इन 120 के स्टॉप लॉस के साथ 108 से लेकर 105 तक के टारगेट्स के लिए। अजीत, आप एक चीज़ देखिएगा ज़रा, आप थोड़ा आप इस पे हमको करेक्ट भी कीजिएगा। एक 16,300 की जो पुट है वो हम देख रहे हैं इस समय, वो चल रही है 213, देखते ही देखते 215, 216 भी हो चुके हैं। 200 पे मैंने नोटिस किया था ये। इसमें क्या कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती है? क्योंकि अब मार्केट अगर 16,200 को ब्रेक मारेगा ना, चल जाएगी। अब 218 हो गई है, हाथ से तो निकल तो नहीं गई है, 18 रुपये चल चुका है ऑलरेडी अब तो ये। ये सवाल डिप्टी मुझसे आपसे है, बिल्कुल आपसे 21 हो गए, 22 हो गए अब इनफैक्ट। अभी तो एक बार जरा देख लीजिए, 23 जो हो चुका है, 16,300 वाली पुट है ये। देखिए मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि 16,150 आप इसका स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपके पास कोई लॉन्ग है उसके नीचे शॉर्ट करिएगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे शायद जाके एक इंडेक्स पॉज ले सकता है और दोबारा से एक रिबाउंड की अपॉर्चुनिटी। दोबारा शॉर्ट करना है तो एक बार दोबारा से आपको ये करीब 250 से 300 के लेवल के बीच में मिले तो वो अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 16,200 चला गया है, मार्केट का एक अहम सपोर्ट एरिया था। हालांकि अभी भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी हरे निशान में है, और हरे निशान में नहीं है बल्कि 1/4% से ज़्यादा की मजबूती है। इसका मतलब डाइवर्जेंस बहुत साफ है कि आपको इंडेक्स को रख के अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव करेंगे तो ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 12 शेयर आते हैं और निफ्टी के अंदर 50 शेयर आते हैं, तो इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स पे आप ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए वापस से 16,300 की एक बार पुट दिखाना चाहूँगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिकमेंड तो नहीं बोलेंगे, आपको नोटिस करवाई थी। 243 रुपये हो गया उसका रेट अजय, थोड़ी देर पहले हम क्या देख रहे थे। बात है, आप देखिए अभी आप इसके 240 और 243 का भी थोड़ी देर पहले रेट था, 200 पे हमने नोटिस किया था, 215 पे तो बिल्कुल आखिर आपके मैंने देखा, स्क्रीन आप पे आ गए 204 थे। 205 तो फ्लायर करवा रहे थे, ये आपकी स्क्रीन 240 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जो आप बता रहे हैं ना कि बाजार जो है आईटी उसको लेके जा रहा है नीचे, हाँ आईटी लेके जा रहा है बाजार को, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, L&T, इनफैक्ट L&T 40% अब IT है, यस तो इसको मैं 40% तो IT का वेट।